uska baad 80 mein 81 mein humne shaadi kiya khet karne ka khushis kiya khet mein bhi acha khacha thora bahut tha uska baad chota mota business karne shuru kiya uska baad humne second hand taraq liya taraq gaadi ko khud maine chalane ka khushis kiya aur uska baad maine gaon mein gram panchayat member sambhala tab se hum piche murne ka piche mur ke dekhne ka kabhi bhi khushis nahi kiya भगवान ने हमें एक इंसानियत का रूप में दिया चाहे मैं पढ़ लिख हो चाहे मैं अनपढ़ लिख हो चाहे मैं उम्र हो चाहे मैं गरीब हो मैं जब तक जिंदा हूं समाज और सोसाइटी में कुछ करके जाएगा इसी उम्मीद में मैं आज तक कोशिश करता हूं। कल परसों हमारे यहाँ अरुणाचल में ईटानगर में मैक्सिमम जो ऐसे हवा आता है कि सारा घर को उजाड़ के ले जाता है और ये दो डेढ़ महीना पहले भी हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ सबका पास पहुंचने का। कुछ लोग ने आकर उसमें विजिट किया है, मैं भी चाहता हूँ सभी आ जा। किसी का दुख और किसी का दर्द में हम एक भाईचारा होने का नाते, एक हिंदुस्तानी होने का नाते, हम यहाँ आसामी बिहारी नेपाली बंगाली ऋषि आदि नहीं कहके किसी का दुख दर्द में पहुंचने का सभी का अधिकार है। आ जाइए, आप मदद कीजिए और उसमें हम करता हूँ। एकाध उखाड़ू पहुंच के बोलता है यहाँ का अंचल समिति कहाँ चला गया, यहाँ का जिला कहाँ चला गया, यहाँ का एमएलए कहाँ चला गया। अरे वो हमको पूछने का उसको पूर्ण अधिकार दिया है। हम जहाँ पिकनी मैं वहां पहुंचता हूँ। आप भी अगर पहुंचना चाहता है तो पहुंचे, लेकिन हम ये नहीं कह सकता कि हम जहाँ विजिट करता है अरुणाचल का सरकार कहाँ मर गया कहाँ रह गया, हमको भी बोलता नहीं। वो मेरा हिसाब में मैं कोशिश करता हूँ और आप सभी से मेरा अपील है, सरकार आपको हमेशा जो जो मांगता है आपको फुलफिल करने का कोशिश करता है। और आपको भी ये सूचना होगा दोस्तों, आप तनख्वाह लेता है तो आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप तनख्वाह लेता है तो काम नहीं करके अगर आप तनख्वाह लेता है तो बहुत शर्म की बात है। हम इस बात को नहीं मानता है, हम आज भी नहीं मानेगा कल भी नहीं मानेगा। अगर हम किसी से अगर तनख्वाह लेता है तो हमें उनका दूती कर देना है। अगर आप दूती नहीं कर देकर आप तनख्वाह लेते रहेगा, जो भी आपका भूखा प्यासा होगा आप सरकार को चेर खाली करते रहेगा, आपका आप काम नहीं करेगा, आउटपुट नहीं आएगा, सरकार आपको कहां से देगा। इसलिए आपको भी इस चीज को ध्यान में रखना है और आपको भी आगे अच्छा काम करने का कोशिश करना चाहिए। मेरा ये कहने का था, कभी कभी हम लोग हम लेबर है, हम गरीब है, हमारा बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। हम लोग सोच में बैठ जाता है, ऐसे सोच के हम अपना बेटा बेटी का मेंटली हम डिमोरलाइज करता है। लेकिन मेरा कहने का एक एग्जाम्पल जीता जाता सबूत मैं यहाँ हरा हूं, आपको बताने का था, आपको बताया। अमल करना आपका है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज मेरा 60 ईयर का एज है, उस एज में हम किसी ऐसे देखा नहीं है कि किसी का माँ का पेट से डॉक्टर बनकर आते हुए, इंजीनियर बनकर आते हुए, बीए पास होकर आते हुए, स्कॉर्पियो लेकर आते हुए, बैंक बैलेंस 2 करोड़ 5 करोड़ लेकर आते हुए आज तक हमने देखा नहीं है। और यहाँ हमको अपना आपको बनाना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए अपना आपको साबित करना पड़ता है। मैं समझता हूं मैं ज्यादा बोल दिया, अगर ज्यादा बोला मुझे क्षमा कर देना, अगर गलत बोला इसमें यहां तक छोड़ देना, अगर अच्छा बोला इसको आप जुड़ते हुए आपका दिलो दिमाग से और जुड़ते हुए आप जिंदगी में अच्छा तरकीब करें, अच्छा काम करें और टूटा हुआ को आप जुड़ने का काम करें और जो रूता हुआ को आप उसको सुलझाने का काम करें, वही इंसानियत का काम है। मैं ये बात कह के मेरा बातें यहाँ मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।